हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ यू ऑल टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब पहले वाली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने वन से लेकर हंड्रेड तक फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखी थी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न

सो द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेस ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना सो ब्लेस ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेसिंग नेक्स्ट वर्ड इज गेट गेट मीन्स होता है प्राप्त करना या फिर पाना गेट गॉट गॉट गैटिंग द नेक्स्ट वर्ड इज फो गेट फोगेट में जो है आर साइलेंट है सो फो गैट फो गॉट फोगेटन फॉ फोगेट मीन्स होता है भूल जाना लर्न लर्न मीन्स होता है कोई चीज को याद करना या फिर सीखना लर्न लर्ट लॉन्ट लर्निंग नेक्स्ट वर्ड इज याद रखना कोई बात को याद रखना रिमेंबर रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड रिमेंबरिंग नेक्स्ट वर्ड इज याद दिलाना याद दिलाना किसी को कोई बात याद दिलाना रिमाइंड रिमाइंडेड रिमाइंडेड रिमाइंडिंग द नेक्स्ट वर्ड इज देखना देखने को कहते हैं बिहोल्ड बिहेल्ड बिहेल्ड बिहोल्डिंग देखने के लिए एक और भी वर्ड है सी सॉ सीन सींग नेक्स्ट वर्ड इज देना टू शो रिस्पेक्ट किसी को जो है रिस्पेक्ट शो करने के लिए कोई चीज देना सो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ्ट बेस्ट ऑफ्ट बेस्ट होविंग दे नेक्स्ट वर्ड इज सावधान करना सावधान करने को क्या कहते हैं बीवियर बीवियर्ड बी बीवियर बीवियरिंग उसके बाद है उधार लेना उधार लेना कोई बुक उधार लेना कोई पैसे उधार लेना कोई चीज उधार लेने को हम कहते हैं बोरो बोरो बोरोव्ड बोरोव्ड बोरोविंग उधार देना उधार लेने को जो है बोरो कहते हैं उधार देने को कहते हैं लैंड 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 लैंडिंग नेक्स्ट वर्ड इज फूटना या फटना बर्स्ट 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 बर्स्टिंग नेक्स्ट वर्ड इज दफनाना या दबाना जैसे मुस्लिम लोग जो है डेड बॉडीज को दफनाते हैं और या फिर कोई बीज दबाने को भी हम क्या कहेंगे बरी बरीड बरीड बरिंग नेक्स्ट वर्ड इज दाह संस्कार करना जैसे हिंदू लोग जो है बॉडी का दाह संस्कार करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीमेट क्रीमेटेड क्रीमेटेड क्रीमेटिंग नेक्स्ट वर्ड इज परेशान करना परेशान करना बॉदर बॉदर्ड बॉदर्ड बॉदरिंग नेक्स्ट इज कैलकुलेट कैलकुलेट मीन गिनती करना कैलकुलेट कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड कैलकुलेटिंग देन प्रचार करना कैनवस कैनविस्ड कैनविस्ड कैनविसिंग देन पकड़ना कैप्चर कैप्चर्ड कैप्चर्ड कैप्चरिंग उखेरना या उभारना पत्थर पे या लकड़ी पर जैसे कि मूर्तियां बनाई जाती हैं सो दैट इज कॉल्ड कार्व कार्व काफ काविंग नेक्स्ट इज किसी को किसी चीज को फेंकना यानी कि किसी पर्सन को फेंकना या किसी चीज को फेंकना या फिर वोट देना इन तीनों के जो है एक ही मीनिंग है कास्ट 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 कास्टिंग जैसे कि वोट देने को हम कहते हैं कास्ट आ वोट देन पकड़ना कैच कॉट ट कैचिंग उसके बाद है पीछा करके भगाना चेस चेस्ड चेस्ड चेसिंग देन तेज और लगातार बोलना यानी कि बहुत ही नॉइजली बातें करना चैटर चैटरड चैटरड चैटर, चैटरिंग चैटर वैसे तो जो है मंकीज की साउंड होती है जैसे मंकीज शोर में जाते हैं तो वहीं से ही जो है ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है जब कोई तेज और लगातार बोलकर बातें करता है सो उसके लिए भी चैटरिंग वर्ड यूज किया जाता है नेक्स्ट वर्ड इज चीट चीट मीन्स होता है धोखा देना चीट चीटिड चीटिड चीटिंग च्यू च्यू मीन्स है चबाना च्यू से ही च्यूंगम बनता है सो च्यू च्यूड च्यूड च्यूइंग देन चूज चूज मीन्स है चुनना यानी कि कोई चीज सिलेक्ट करना चूज चौज चूज चूजिंग उसके बाद है सुधारना यानी कि किसी पर्सन को सुधार के जो है उसको जो है मैनर्ड बनाना उसे एजुकेशन देना तो इसे हम कहते हैं सिविलाइज 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 सिविलाइजिंग फिर है नेक्स्ट स्किन या वूड यानी कि किसी घाव को साफ करना उसे क्या कहेंगे क्लींस क्लींज क्लींज क्लींसिंग नेक्स्ट इज ऊपर चढ़ना टू गो अप ऊपर जाना क्लाइम क्लाइम्ड क्लाइम्ड क्लाइम्बिंग नेक्स्ट इज बजाना इट इज रिटर्न बचाना बट इट इज बजाना सो so, किसी चीज को बजाकर जैसे कि ग्लास को जो है बजाना तो उसे बजाकर जो है साउंड क्रिएट करना सो दिस इज कॉल्ड क्लिंग क्लिंगड क्लिंगड क्लिंकिंग नेक्स्ट इज चिपटना क्लिंग क्लंग क्लंग clinging, जकड़ना क्लच क्लस्ट clust, क्लचिंग नेक्स्ट इज किसी जगह को सामान से भर देना और उसे अंटाइडी कर देना क्लटर clutter, cluttered, cluttered, क्लटरिंग देन धमका कर काम करने के लिए मजबूर करना यानी कि किसी से जबरदस्ती जो है धमका कर कोई काम कराना क्वार क्वार कॉर्स्ट क्वार डह जाना या गिर जाना जैसे कि कोई मकान जो है कच्चा है और वो जो है डह जाए या गिर जाए तो उसको हम कहते हैं कोलैप्स collapse, सो so, इसे हम क्या कहते हैं कोलैप्स कोलैप्स्ड कोलैप्स्ड कोलास्पिंग उसके बाद है टकराना किसी दो पर्सन का आपस में टकरा जाना या व्हीकल्स का जो है टकरा जाना सो दिस इज कॉल्ड कोलाइड कोलाइडिड कोलाइडेड कोलाइडिंग उसके बाद है नेक्स्ट आदेश देना यानी कि ऑर्डर देना कमांड कमांडेड कमांडेड कमांडिंग नेक्स्ट इज तारीफ करना अब देखिए कमांड और कमांड दोनों वर्ड में ए और ई का डिफरेंस है इस कमांड का मीनिंग होता है तारीफ करना या किसी को रिकमेंड करना कमांड कमांडेड कमांडेड कमांडिंग नेक्स्ट इज कोई गलत काम करना या प्रतिबद्ध होना जैसे कि सुसाइड करना या फिर कोई क्राइम करना तो उसे हम कहते हैं कमिट सुसाइड ही कमिटेड सो कमिट कमिटेड कमिटेड कमिटिंग दूसरा मीनिंग है प्रतिबद्ध होना जैसे हम किसी से किसी काम करने का जो है कोई काम करने के लिए वादा कर देते हैं तो हम जो है जो है कमिटेड हो जाते हैं कोई काम करने के लिए सो so, वहां पर भी ये वर्ड यूज होता है कमिट कमिटेड कमिटेड कमिटिंग नेक्स्ट इज मजबूर करना कंपेल कम्पैल्ड कम्पैल्ड कम्पैलिंग चिल्लाना येल्ब ये कई बार हम कहते हैं वाई आर यू येलिंग एट मी तुम मुझ पर जो है क्यों चिल्ला रहे हो तो वहां पर वर्ड यूज हो जाता है येल, येल्ड यल्ड येलिंग दूसरा है बहुत ज्यादा भोकना या टॉक इन सिली और इरीटेटिंग वे सिली और इरीटेटिंग तरीके से बात करना सो so, उसके लिए भी ये वर्ड यूज हो जाता है नेक्स्ट Yap, इज कपड़े निचोड़ना रिंग रंग रंग रिंगिंग कुश्ती करना रैसल रेसल्ड रेसल्ड रेसलिंग लपेटना रैप रैप्ड रैप्ड रैपिंग सो कुश्ती करने के लिए वर्ड है रेसल 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 रेसलिंग और लपेटने के लिए वर्ड है रैप रैप्ड रैप्ड रैपिंग रैप से ही रैपर बनता है जैसे टॉफीज के ऊपर या चिप्स का पैकेट क्या है रैपर है तो उसने जो है उस खाने के सामान को लपेटा हुआ है सो रैप से रैपर बनेगा नेक्स्ट वर्ड इज पूजा करना वर्शिप वर्शेप्ड वर्शेप्ड वर्शिपिंग रगड़कर साफ करना वाइप wipe, wiped, wiped, वाइपिंग वाइप से ही वाइपर होता है सीटी बजाना होटो से सीटी बजाना विस्ल्ड विस्ल्ड विस्लिंग विसल, नेक्स्ट इज चाबुक मारना विप whipped, whipped, whipping, पानी देना पानी को भी वाटर कहते हैं और पौधों में पानी देने को भी हम वाटर ही कहते हैं सो वाटर वाटर्ड वाटर वाटरिंग फिर देखिए नेक्स्ट कुछ समय के लिए देखना कुछ समय के लिए देखभाल करना दोनों के लिए ही वर्ड यूज होता है वॉच वॉच वॉस्ट वॉचिंग सॉरी वॉस्ट एंड देन वॉचिंग जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं तो वो मैच जो है हम कुछ समय के लिए देख रहे हैं और बड़े ध्यान से देख रहे हैं सो वहां पे वर्ड यूज हो जाता है वॉच देन जीतना विन वन वन विनिंग कुछ स्टूडेंट्स इसे जो है वन भी कहते हैं दिस इज नॉट वन दिस इज वन विन वन वन विनिंग पीछे हटना या बैंक से पैसे निकालना दोनों के लिए ही वर्ड यूज होता है विड्रॉ विड्रू विड्रू विड्रॉइंग नेक्स्ट है शा, शादी करना वेड 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 या फिर इसकी सेकेंड फॉर्म वेडिड वेडिड भी हो सकती है नेक्स्ट इज वेडिंग देन अगेन चिल्लाना चिल्लाने को हम जो है स्क्रीम स्क्रीम्ड स्क्रीम्ड स्क्रीमिंग डांटना स्कॉल्ड स्कॉल्डेड स्कॉल्डेड स्कॉल्डिंग देन नेक्स्ट बिखेरना बिखेरने को क्या कहते हैं स्कैटर 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 स्कैटरिंग द नेक्स्ट इज साफ करना या झाड़ू लगाना स्वीप स्वैप्ट स्वैप्ट स्वीपिंग स्वीप से ही स्वीपर बनता है जो झाड़ू लगाता है कसम खाना स्वेयर स्वेअर स्वॉन स्वेअरिंग किसी को मारना स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक स्ट्राइकिंग देन डंक मारना स्टिंग स्टंग स्टंग स्टिंगिंग चोरी करना स्टील स्टॉल स्टॉल स्टीलिंग थूकना स्पिट स्पैट स्पैट spitting, खराब करना कोई चीज बिगाड़ देना स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड इसकी एक और भी फॉर्म हो सकती है सेकेंड और थर्ड स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड स्पॉइलिंग बीज बोना जमीन में बीज बोना sow, सौ सौ सोइंग फिसलना स्लाइड स्लिड स्लिड स्लाइडिंग डूबना सिंक सैंक संक दिखाना शो showed, showed, शोइंग हिलाना शेक शुक शेकन शेकिंग बेचना सेल sold, sold, सेलिंग देन ढूंढना सीक sought, sought, सीकिंग दौड़ना रन रैन रन रनिंग फोन करना रिंग रैंग रंग रिंगिंग पछताना रिपेंट रिपेंटेड रिपेंटेड रिपेंटिंग देन सवारी करना राइड रॉड रिडन राइडिंग याद करना रिकॉल रिकॉल्ड रिकॉल्ड रिकॉलिंग सो नेक्स्ट वर्ड इज रिकवर अगर रिकवर री और कवर के बीच में हाइफन है तो उसका मीनिंग होता है नया कवर चढ़ाना लेकिन अगर री कवर जो है प्रॉपर लिखा हुआ है विदाउट हाइफन इट मीन्स होता है बीमारी से ठीक होना जैसे हम कोई बीमार हो तो उसको कह देते हैं रिकवर सुन सो नेक्स्ट इज रिकवर रिकवर्ड रिकवर्ड रिकवरिंग नेक्स्ट इज रिकवर्ड 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 रिकवरिंग सो दोनों में डिफरेंस तो जो है कोई नहीं है यहाँ पर जो है रिकवरिंग की स्पेलिंग जो है आप ठीक कर लीजिएगा दिस इज रिकवरिंग सो नेक्स्ट इज डांटना डांटने के लिए दो वर्ड है यहाँ पर रिब्यूक और रिप्रीमेंड रिब्यूक रिब्यूक्ड रिब्यूक्ड रिब्यूकिंग रिप्रीमेंड रिप्रीमेंडेड रिप्रीमेंडेड रिप्रीमेंडिंग देन पालना रियर रियर रियर्ड रियरिंग फसल काटना रीप रिप्ड रीप्ड रीपिंग शांत करना क्वाइटन 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 क्वाइटनिंग छोड़ना क्विट 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 एक और भी हो सकता है इसके लिए सेकेंड थर्ड फॉर्म क्विटेड क्विट क्विटिंग क्विट मीन्स क्या होता है कोई ऑफिस छोड़ना कोई स्कूल छोड़ देना या कोई जगह छोड़ देना तो वहां पर क्विट यूज होता है देन झगड़ना quarrel, क्वारल्ड क्वारल्ड क्वारलिंग देन कन्फ्यूज करना पजल पजल्ड पजल्ड पजलिंग देन खरीदना खरीदने के लिए एक तो बाय होता है दूसरा परचेज है परचेज परचेज परचेस्ड परचेजिंग देन रोकना कोई काम करने से रोकना प्रोहिबिट प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटिंग देन किसी बात को सच मान लेना विदाउट प्रूफ प्रिज्यूम प्रिज्यूम्ड प्रिज्यूम्ड प्रिज्यूमिंग संरक्षित करना यानी कि बचाकर रखना प्रिजर्व 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 प्रिजर्विंग जैसे हम अचार को डालने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं सो प्रिजर्व मीन्स होता है संरक्षित रखना देन नेक्स्ट इज भविष्यवाणी करना प्रिडिक्ट प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टिंग देन अटैक या कैच करने के लिए आगे बढ़ना जैसे शेर जो है अपना शिकार करने के लिए उस पर जो है उछल कर जो है झपटता है छलांग लगाता है उस पर अटैक करने के लिए सो दैट इज कॉल्ड पाउंस पाउंस्ड पाउंस्ड पाउंसिंग खेत जोतना यानी कि मिट्टी को उलट पुलट करना दैट इज प्लो प्लाउड प्लाउड प्लोइंग देन खुश करना प्लीज 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 प्लीजिंग जैसे हम, कह, हम कहते हैं किसी से मिलते हैं आई एम हैप्पी टू सी यू सो so, हम ये भी कह सकते हैं आई एम प्लीज टू सी यू सो प्लीज मीन्स क्या है खुश करना देन रिक्वेस्ट करने के लिए एक और भी वर्ड है प्लीड प्लीडिड प्लीडिड प्लीडिंग देन भूखे की तरह कोई खाना की तरह जो है खाना खाना या बहुत सारा खाना खा जाना उसके लिए जो है पिग वर्ड भी यूज होता है पिग मीन्स वैसे तो आपको पता ही है एनिमल का नेम है बट इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं हम क्योंकि पिग पिग की तरह जो है बहुत सारा खाना सो so, उसके लिए जो है वर्ड यूज होगा पिग पेग्ड, पेग्ड, अपनी बात मनवा लेना यानी कि किसी को कन्विंस कर देना परस्यूड परसुएड परसुएडिड परसुएडिंग देन नष्ट होना या मरना दैट इज पेरिश पेरिस्ड पेरिस्ड पेरिशिंग देन गश्त लगाना आपने देखा होगा कि पुलिस की जो जिप्सीज होती हैं वो जो है रात को सिटी में जो है घूमती हैं चक्कर लगाती हैं देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं तो एक जो है पर्टिकुलर टाइम पर जो है चक्कर लगाना सब कुछ चेक करने के लिए दैट मीन्स पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल्ड पेट्रोल्ड पेट्रोलिंग अलग होना यानी कि सेपरेट होना तो उसे हम कहते हैं पार्ट पार्टिंग दिस विल बी पार्टिंग डियर स्टूडेंट्स प्लीज and sorry for this just make this connection this is parted part parted parted parting then maaf karna pardon pardoned pardoned pardoning शांत करना जैसे अभी ऊपर वार्ड आया था quieten तो एक और भी वार्ड है उसके लिए pacify pacify pacified pacified pacifying the next is किसी को अपनी चतुराई से हराना यानी कि दिमाग से हराना outwit विट मीन्स दिमाग ही होता है दिमाग की जो है हमारी रीजनिंग पावर के लिए विट वर्ड यूज होता है सो so, आउटविट करना किसी को यानी कि किसी को अपनी चतुराई से दिमाग से हराना सो आउटविट आउटविटेड आउटविटेड आउटविटिंग किसी का शोषण करना यानी कि उसे जो है सेम अधिकार जो है राइट ना देना दैट इज ऑप्रेस ऑप्रेस्ड ऑप्रेस्ड ऑप्रेसिंग घटित होना कोई घटना घटना उसके लिए वर्ड यूज होता है अकर occur, अकर्ड Occurred, Then, प्राप्त करना जैसे गैट गॉड था ऐसे ही जो है ऑप्टेन, ऑपटेंड ऑपटेंड ऑप्टेनिंग, कोई काम करके किसी की मदद करना जिस, जो हमें पता है कि इस पर्सन को ये जो है फेवर हमसे चाहिए तो हम अगर उसका वो काम कर देते हैं सो उसके लिए वर्ड है ओब्लाइज ओब्लाइज ओब्लाइज्ड ओबलाइजिंग शोक मनाना किसी की डेथ हो जाने पर जो है शोक मनाने के लिए वर्ड यूज होता है मौन mon, मॉन्ट Mond morning is maybe our silent, eh? so this is Mond, Mond, Mond morning. So I hope students that the forms of verb are clear to you all. In my two videos, I have given you 210 forms of verb, and these are more than enough. If you are interested in getting more forms of verb, then you can leave your comments in the comment box. And if you are happy after understanding all these forms of verb then please like my video and subscribe it for more videos and share it with your friends okay thank you students